जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, यदि आप भी रूट स्टॉक का सेब का पौधा लगाए हैं या तो फिर लगाना चाहते हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना जो M7 का हमने रूट स्टॉक का पौधा मंगाया था और प्लांटेशन किया था इसी वर्ष, तो उन पौधों को मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका मैनेजमेंट आपको किस तरह से करना है। यदि रूट स्टॉक का पौधा आप लगाए हैं या तो फिर लगाना चाहते हैं, या साथियों यदि नहीं भी लगाए होंगे तो आपको नॉलेज रखना इसका ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आप इसका प्रयोग करें, तो नॉलेज पहले से ही यदि आपके पास रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि साथियों ये आपको दिख रहा होगा, इस लाइन को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें जो भी पौधे आपको दिख रहे हैं ये M7 पर ग्राफ्ट रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट पौधे हैं। और इसका मैं प्लांटेशन की बात करूँ तो पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट रखा है, जबकि हकीकत में पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट होना चाहिए, लेकिन हमने 1 फीट स्पेस कम कर दिया है। किसान साथियों, ये पौधे से पौधे की दूरी की बात हुई। और जैसे लाइन टू लाइन की बात करेंगे तो एक पौधा इस लाइन में लगा हुआ है और दूसरा पौधा मेरा देखिए ये वाला पौधा है, देखिए इस लाइन में लगा हुआ है। तो यदि हम लाइन से लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे 9 फीट होना चाहिए था, लेकिन हमने रखा है 8 फीट, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में हमने 1-1 फीट कम करके रखा है। किसान साथियों, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको डिस्टेंस यदि आप कम रखे हैं तो प्रूनिंग करते समय आपको इसका मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से करना होगा। तो किसान साथियों, बात करते हैं पौधे को जो सेप है उसे बनाना कैसे है। तो जब भी आप रूट स्टॉक का पौधा लाते हैं किसान साथियों, तो जब भी इसमें नई ब्रांचेस आपको आते हैं तो नई ब्रांचेस को आपको कहाँ तक रखना है, जैसा कि ये देख सकते हैं नीचे से ये ग्राफ्ट वाला भाग हो और यहाँ से नया शाखा ऐसे निकला हुआ है। किसान साथियों देख सकते हैं इसमें फेदर प्लांट था, जिसमें ये देखिए इसे हमने कट किया है, यहाँ से अब नया प्लांट देखिए आया है, इसको हम नहीं रखेंगे, इसको तोड़ देंगे। और यहाँ देख सकते हैं इसमें से भी नई फुटानी था, मतलब फेदर प्लांट की में जैसे निकलते हैं शाखा वैसे शाखा निकला हुआ था, इसमें भी निकला हुआ था, यहाँ भी निकला हुआ था साथियों। तो हमने सबको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। क्यों कट कर दिया है, क्योंकि जो ये देखिए यहाँ पर भी अब फुटाने आ रही है, तो इन फुटानों से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हमको रिमूव कर देना है। तो किसान साथियों, जब भी आप रूट स्टॉक का पौधा लगाते हैं, कोई भी रूट स्टॉक हो, तो उसमें आपको मिनिमम हाइट कितना जाना है, 2.5 फुट तक। जो नीचे से जो ज़मीन से जो ऊपर का दूरी हम लेंगे वो 2.5 फीट तक लेंगे। जहाँ तक 2.5 फीट होगा साथियों, उससे नीचे हमें कोई शाखा नहीं रखना है। क्योंकि आप लोग को पता है किसान साथियों कि जब भी रूट स्टॉक का पौधा लगता है तो रूट स्टॉक का पौधा में सिंगल लीडर सिस्टम को अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी जो है कम होता है। तो इसमें सिंगल लीडर में पौधे को रोक रहा जाता है और साथ ही उसमें से जो नई शाखा निकलता है उसे बेंड करना होता है। तो बेंडिंग करने का मतलब होता क्या है कि जब भी आप अपने पौधे की शाखाओं को, मान लीजिए कि पौधा आपका यहाँ है 2 फीट हाइट तक लिया, तो इस तरह से शाखाएँ जब थी तो शाखाएँ को बेंड करेंगे तो 1 फीट आपका बेंड होकर के नीचे आ जाएगा। 2 फीट में आपने नया शाखा लिया और बेंड करके उससे 1 फीट फिर इसे नीचे लाइएगा, इस तरह से ये एंगल में आएगा, तब फिर पौधा ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज़मीन से जिस शाखा की दूरी आपको मेंटेन होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, ज़मीन से मात्र आपका 1 फीट ऊंचा रह जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी सिंगल लीडर में आप रूट स्टॉक का पौधा लगाते हैं तो उसके हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम 2.5 फुट ऊपर से ही आपको शाखाएँ लेना है। इन बातों को ध्यान रखना है किसान साथी, नहीं तो देखिए मेरा ये जो यहाँ पर जो शाखा निकल रहा है ये शाखा मेरा 2 फीट तक था, लेकिन हमको 2 फीट से नीचे रखना है, हमको 2.5 फीट से ऊपर रखना है, इसलिए हमने इसे कर दिया है, रिमूव कर दिया है। इस सारे शाखाओं को आप देख सकते हैं। अब एक ही प्लांट ने, मैं आपको और प्लांट दिखाता हूँ। किसान साथी देखिए, मैं आया हूँ अपने दूसरे वाले पौधे पर। ये भी मेरा रूट स्टॉक का पौधा है, ये डोरसेट गोल्डन का। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर शाखा था, इसे हमने रिमूव किया है। यहाँ पर देखिए शाखा है, इसे भी हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर शाखा था, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पुराना वाला शाखा था, इसे हमने कट किया है। तो क्या करेंगे, 2.5 फुट से नीचे रहेगा तो उसे हमको रखना ही नहीं है किसान साथियों। सिंगल लीडर रखने का दूसरा फायदा यह है कि सिंगल लीडर रखिएगा ना साथियों, तो आपका जो नीचे वाला जो पर्सन है ना ये बहुत मोटा हो जाएगा, और बहुत मोटा हो जाएगा तो फिर आपका पौधा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेगा। और आपका जो तेज आंधी ऊपर आते हैं या तो फिर जो भी पौधे में रोग होते हैं साथियों, उन सब से लड़ने की क्षमता पौधे की बढ़ जाएगी।
इसलिए साथियों इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी है तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।